क्या बननी चाहिए गजनी 2? गजनी की वो कौन सी खास बातें जो इसे मस्ट वॉच फिल्म बनाती है? कैसे इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जेआर। दोस्तों, एआर मुर्गादॉस द्वारा निर्देशित फिल्म गजनी में आमिर, आसिन, जिया खान जैसे कलाकार थे। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे सिर्फ 15 मिनट तक चीजें याद रहती है, जो याद रखने के लिए महत्वपूर्ण चीजों को अपने शरीर पर लिख देता है। और ये फिल्म 2005 की तमिल फिल्म सूर्या का एक ऑफिशियल रीमेक थी। ये बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का क्लब पार किया, यानी कि इसकी शुरुआत की थी। इससे पहले कोई भी फिल्म नहीं थी जिसने 100 करोड़ का क्लब पार किया हो। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी क्या खास बातें थी कि इसने 100 करोड़ पार किए और मस्ट वॉच फिल्म ये है। दोस्तों, फिल्म तारे जमीन पर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके आमिर खान फिल्म का निर्देशन भी कर रहे थे। वहीं गजनी में भले ही उन्हें डायलॉग कम दिए गए हो, पर उनका गुस्सा, उनके बदले की आग और उस बदले में जलती उनकी आंखें सारा दर्द बयां कर देती है, जहां वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। फिल्म में उनके साथ ही बनी आसिन ने बहुत ज़्यादा बोलने वाली एक मासूम लड़की का किरदार बखूबी निभाया था। हालांकि वो यही किरदार ओरिजिनल फिल्म में भी निभा चुकी हैं, पर इस किरदार को दिए नएपन से वो छा जाती हैं। फिल्म में रोमांटिक सीन्स लाजवाब हैं, वहीं लड़ाई, झगड़े, मारपीट, मर्डर वाले सीन दिल दहला देने वाले। जिया खान का किरदार जो फिल्म में मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो भी खास है। उन्होंने अपने किरदार को बड़ी सादगी से निभाकर पूरा न्याय दिया। दोस्तों, एक तरफ जब वो शुरुआत में आमिर खान के किरदार के लिए मुश्किलें खड़ी करती है, वहीं बाद में उनकी मदद करके दिल जीत लेती है। फिल्म में विलन गजनी का किरदार निभाने वाले प्रदीप रावत भी अपनी प्रेजेंस से लोगों को डराने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत डर लगता है जब वो पर्दे पर आते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव ही देखकर लोगों को उनसे घृणा हो जाती है, डर लग जाता है। उनका किरदार एक टिपिकल डॉन जैसा है, और जो सोने की एक मोटी सी चेन, अंगूठी, हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखता है। फिल्म में उनका एक डायलॉग है जो काफ़ी मशहूर भी हुआ, ऐसे मारेंगे कि उसका नाखून भी नहीं मिलेगा। फिल्म का संगीत और इसके गाने बहुत उम्दा है। इसका संगीत एआर रहमान ने दिया था, जबकि इन्हें टी सीरीज के लेबल के तहत रिलीज किया गया। गुजारिश और कैसे मुझे तुम मिल गई जैसे गाने तो फिल्म की रिलीज से पहले ही दर्शकों ने हिट कर लिए थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और बहका मैं बहका सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, हल्का फुल्का सॉन्ग लेकिन मज़ेदार। 3 घंटे की ये फिल्म आपको हर सीन में बांधे रखती है, कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि ये सीन क्यों है यहाँ। फिल्म में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी है और ये फिल्म की ज़रूरत भी थी। एक्शन फिल्म में अगर एक्शन सीन्स ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? अगर कम शब्दों में कहे तो ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो आप ढेर सारा सस्पेंस, एक्शन, रोमांस मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, हाल ही में ये भी खबर थी कि गजनी 2 बनने हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कहीं ना कहीं इशारा दिया था और कहा जा रहा था कि जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन कोविड हो गया, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। लेकिन गजनी 2 ज़रूर बनेगी, ये ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन खबरें हैं। दोस्तों, आपको कितना वेट है? और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।